rajim. Rahim. Hello, viewers. Uh, we were uh, talking about uh, early years uh, development and uh, self-management of children, and uh, would like to discuss about self-management at early age. It is very crucial and very important because this one is the age that is the base providing to the rest of the life. और ये ऐसा कॉम्पोनेंट है एज का जिसमें बच्चों की सलाहियतें निखर रही होती हैं जिसमें उनकी ज़हनी सलाहियतें निखर रही होती हैं जिसमें उनकी जिस्मानी सलाहियतें निखर रही होती हैं और उनको जिला मिल रही होती है और उनको सही डायरेक्शन मिलनी चाहिए इसमें हम देखते हैं कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें अपने घर के रिलेटेड सीख रहे होते हैं यानी घर में सबसे पहले उसको वो मुख्तलिफ जो छोटी छोटी स्किल्स हैं वो सिखाने की ज़रूरत है कि वो अपनी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करता है छोटे छोटे टास्क को किस तरह से मैनेज कर और किस तरह से वो छोटे छोटे टास्क को मिला कर एक बड़ा टारगेट गोल मुकर करके और उसको मुकम्मल करता है और फिर उसकी आ, जो खुशी है और उसकी कंप्लीशन है उसकी लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो आ, उसे आ, उसका प्लेयर हासिल हो इसमें आ, सिर्फ घर की एक्टिविटीज़ ही नहीं होंगी बल्कि जब वो अपनी घर की एक्टिविटीज़ को मुकम्मल करता है तो एट इज़ लीडिंग टू वर्ड्स एवरी डे लाइफ इन विच द चाइल्ड इज़ गोइंग टू इंटरैक्ट विद द फैमिली विद द अदर पर्सन ऑफ द सोसाइटी शॉपकीपर है उसके साथ वो किस तरह से अपनी बात करता है अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए उसे अपना मुद्दा बयान करता है अब कम्युनिकेशन वो किस बात को किस तरह से अदा करता है और किस तरह से अपने काम को मुकम्मल करता है ये छोटे छोटे टास्क हैं जो वो घर से सीख कर सोसाइटी तक पहुंचता है और अपनी एवरीडे लाइफ को यकीनी बनाता है इसमें जब वो सोसाइटी में वेल मैनेज है वेल मैनर्ड है तो हम देखते हैं कि उसके असरात उसकी अकडेमिक परफार्मेंस पर पड़ते हैं से मुराद ये है कि वो किस तरह से अपने इंस्टीट्यूशन में जाता है किस तरह से अपनी यूनिफॉर्म को मेंटेन रखता है किस तरह से अपने होमवर्क को क्लास वर्क को और क्लास के अंदर तरह के मुख्तमिक बिहेवियर को वो देखता है अपने टीचर्स की बात को किस तरह से सुनता है किस तरह से रिएक्ट करता है किस तरह से उस पर अमल दरामद करता है और इसी तरह से बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो रिलेटेड विद द रिजिलियंस वो किस तरह से अपनी बात को कंप्लीट करने के अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए आ, उस पर इंसिस्ट करता है और फिर यह है कि उसकी तकमील के लिए कुत बर्दाश्त पैदा करता है और उसकी तकमील के लिए वो यकसू रहता है इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि वो किस तरह से काम करता है कि वो ऐसे काम जो प्रोडक्टिव हैं जो उसके अपने लिए यूज़फुल हो सकते हैं जो उसके अपने घर के लिए आ, ऐसे काम जो मुफीद साबित हो सकते हैं वो ऐसे काम करता है और काम तो करता है लेकिन उसके टाइम well करने की अहमियत है कि वो काम जो उसको असाइन किया गया या जो उसे करना है वो well टाइम करता है फॉर एग्जांपल हम कहें कि वो आ, पानी ले आओ और वो पानी लेने के लिए बहुत सारा वक्त सर्व कर देता है इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने उस छोटे से टास्क को भी आ, पाया तक मील तक बर वक्त पहुँचाए और इसी तरह आ, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करता है और उसकी तमाम तरह की कंट्रीब्यूशन एक से एक छोटी से छोटी कंट्रीब्यूशन उसको सेल्फ कॉन्फिडेंट बना देती है वो आ, अपनी बात को

द नेक्स्ट असाइनमेंट एंड आई कैन डू इट आई कैन परफॉर्म इट वेरी वेल इसमें हम देखते हैं कि वो काट री एनफोर्सड फॉर द गुड बिहेवियर अच्छे बिहेवियर के लिए अच्छे एक्शन के लिए जो दूसरों के लिए पसंदीदा है दूसरों के लिए एक्सेप्टेबल है उसको परफॉर्म करता है और इसमें बहुत सारी बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी आती हैं जिसको फेस करने के लिए जिसको इंटरेक्ट करने के लिए उसको रिजॉल्व करने के लिए वो आ, अपने आप को तैयार करता है क्योंकि उसके अंदर क़वत बर्दाश्त है उसमें आ, उसको कंट्रोल करने की सलाहियत मौजूद है उसमें समझने की सलाहियत भी जाए उतम पाई जा रही होती है और उसमें आ, हम ये भी देखते हैं कि टीचर्स और पेरेंट्स और दोस्त और उसके फैमिली मेम्बर्स उसको अशोर करते हैं उसको आ, यकीनी बनाते हैं यस